आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में नोटबंदी पर चर्चा के वक्त भावुक हुए पीएम नरेंद्र मोदी, सूत्रों से मिली जानकारी। पीएम मोदी ने संसदीय दल की बैठक में भाषण के वक्त कहा, नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक पर अफवाह फैला रहा है विपक्ष। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया दावा, नोटबंदी से गरीबी मिटाने में मिलेगी मदद। जेटली ने नोटबंदी के फैसले को देश हित में बताया, बोले नोटबंदी से कम हो रही है ब्याज दरें, पूरा देश कर रहा है इसका स्वागत। नोटबंदी पर जेटली ने भरी हुंकार, कहा ऐसा फैसला लेने के लिए चाहिए हिम्मत, इसे सर्जिकल स्ट्राइक न कहे विपक्ष। संसद के दोनों सदनों में आज भी नोटबंदी पर हुआ जमकर हंगामा, कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में नोटबंदी पर हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई भी रोकी गई। नोटबंदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज संसद का करेगी घेराव, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया संसद तक निकालेंगे मार्च। आज फिर दिल्ली आकर नोटबंदी के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, 26 नवंबर को लखनऊ जाने का कार्यक्रम। नोटबंदी के बाद मोदी सरकार की पहली परीक्षा, लोकसभा की 4 और विधानसभा की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी, मध्यप्रदेश की नेपानगर विधानसभा सीट पर बीजेपी जीती, शहडोल की लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार आगे। असम की लखीमपुर लोकसभा सीट और एक विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का रुझान सामने आया, दोनों सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार को बढ़त, त्रिपुरा में दोनों सीटों पर सीपीएम उम्मीदवार विजयी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लोकप्रियता का इम्तिहान, 2 लोकसभा सीटों के साथ विधानसभा की 1 सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। तमिलनाडु के करूर में मतगणना के दौरान बीजेपी और डीएमके कार्यकर्ताओं में झड़प, विवाद के बाद रोकी गई काउंटिंग प्रक्रिया। उपचुनाव के रुझान में चेन्नई में एआईएडीएमके समर्थक खुश, बाटी मिठाई फोड़े पटाखे। नोटबंदी ने ली दिल्ली में 49 साल के शख्स की जान, उत्तर नगर में लाइन में खड़े शख्स की बेहोश होकर गिरने से हुई मौत। दिल्ली के उत्तर नगर में लाइन में लगने से हुई मौत पर हरिनगर में डीडीयू अस्पताल के बाहर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, पीड़ित परिजनों के लिए मुआवजे की मांग। और ऐसे जितने भी परिवार हैं। यूपी के देवरिया में भी बैंक की लाइन में बची भगदड़ में बुजुर्ग की गई जान, कुचलने से हुई मौत, बहू के इलाज के लिए पैसे निकालने गए थे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पीएनबी बैंक के बाहर लाइन में लगे एक शख्स की मौत, हार्ट अटैक के बाद अस्पताल ले जाया गया था लेकिन अस्पताल में मृत घोषित। हाथरस में नोटबंदी से परेशान एक होमगार्ड की हार्ट अटैक से मौत, ग्राम प्रधान के मुताबिक 3 से 4 दिन बैंक में बाहर लाइन में खड़े होने के बाद भी नहीं निकला था पैसा। एनसीपी नेता माजिद मेमन ने आंध्रदेश के विजयवाड़ा में अवैध तौर पर पुराने नोटों की बदली के धंधे का भंडाफोड़, एक महिला समेत 15 लोग गिरफ्तार, करीब 7 लाख कैश बरामद। बांदीपुरा एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, रिहायशी इलाके के घर में छिपे थे दोनों आतंकवादी, आतंकियों के पास से बरामद हुए 2000 के नए नोट, 100-100 रुपए की करेंसी भी बरामद। मारे गए दोनों आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे, पाकिस्तानी मूल के होने का शक, सुरक्षा बल ने दोनों के पास से 2 AK-47 राइफल बरामद की। रजौरी में शहीद बीएसएफ के जवान राय सिंह का रोहतक में अंतिम संस्कार, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने दी श्रद्धांजलि। श्रीनगर में आज भी बंद रहा बाजार, सरकार नहीं निकाल पा रही कोई समाधान, बढ़ता जा रहा है रोजी रोटी का संकट। छत्तीसगढ़ के सुकमा में धमाका, धमाके में सीआरपीएफ के अधिकारी की मौत, एक जवान घायल। आरबीआई ने होम कार कृषि लोन चुकाने की सीमा 60 दिन बढ़ाई, ये छूट 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच चुकाए जाने वाले लोन के लिए। शादी के लिए 2.5 लाख निकालने के फैसले पर आरबीआई का सर्कुलर, शादी का कार्ड, मैरिज हॉल की बुकिंग की रसीद दिखानी होगी। नोटबंदी के फैसले के बाद से अब तक बैंकों में 5,12,000 करोड़ रुपए जमा हुए, आरबीआई ने दी जानकारी। आरबीआई के मुताबिक 10 नवंबर से अब तक 33,000 करोड़ के पुराने नोट बदले गए, कैश काउंटर और एटीएम से 1 लाख करोड़ की निकासी हुई।
नोटबंदी के 12 दिन बाद भी आम जनता को राहत नहीं, बैंक और एटीएम के बाहर कतार में खड़े दिखे लोग। आज तक से खास बातचीत में बोली सोनिया, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच कोई तुलना नहीं। इमरजेंसी पर सोनिया ने अपनी सास इंदिरा का किया बचाव, कहा वो बहुत असहज थी, अगर ऐसा नहीं होता तो चुनाव नहीं कराती। सोनिया ने कांग्रेस में राहुल की ताजपोशी पर सारी चुप्पी, कहा मैं इस मुद्दे पर जवाब नहीं दे सकती। जयललिता को आईसीयू से स्पेशल वार्ड में शिफ्ट करने के बाद अस्पताल के बाहर डटे समर्थक, किया पूजा पाठ। इजराइल के राष्ट्रपति रियुवेन रिवलिन ने मुंबई हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। मीट कारोबारी मोइन कुरैशी लौटा भारत, ईडी जारी कर सकता है नोटिस, आखिर दिल्ली से बाहर कैसे गए मोइन कुरैशी। कानपुर के पास पुखराया में हुए ट्रेन हादसे में मृतकों का आंकड़ा 149 तक पहुंचा, 125 शवों की हुई शिनाख्त। हादसे में 182 मुसाफिर हुए घायल, घायलों में से 64 की हालत बताई जा रही गंभीर। मुंबई के वडाला इलाके में गटर में फंस गया एक युवक का पैर, एक घंटे की मशक्कत के बाद जाल को गैस कटर से काटकर युवक को निकाला गया। अरवल पुलिस ने हत्या के आरोप में दो लोगों को किया गिरफ्तार, अवैध संबंधों के शक में एक युवक की हत्या कर शव को बाइक समेत जलाया था। केशवपुरम में मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या, फैक्ट्री के पीछे खाली प्लॉट में मिला शव। बिहार में बेगूसराय के पास चलती ट्रेन में बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। बिजनौर में बाइक और टेम्पो की टक्कर के बाद दो गुटों में बवाल, हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हापुड़ के सबली गांव में पानी की टंकी के पास छात्रा का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जोधपुर में आठवीं के छात्र ने घर में फांसी लगाकर की खुदकुशी, एक टीचर और दो दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज।